बटाला पुलिस के अधीन पैंदे पिंड चोणों विखे सनसनीखेज घटना सामने आई है। बीती देर रात पिंड दे अंदर कुछ मोटरसाइकिल सवारां वालों हमला किया गया। 8 अणपछाते मोटरसाइकिल सवारां ने घर दे विच गोलियां चला दित्तियां ते कुछ गोलियां घर दे गेट नूं पार करदियां होईयां विहड़े दे विच बैठे मालक हरभजन सिंह दे लगियां। मौके ते हरभजन सिंह दी मौत हो गई है। मृतक हरभजन सिंह दी उम्र 55 साल दसी जा रही है। इस पूरे मामले बारे मृतक के भरा रतन सिंह ते पत्नी भजन कौर ने दस्या कि देर रात जदों हरभजन सिंह घर दे विच विहड़े दे विच बैठे सन तां अचानक गोलियां चलण दीआं आवाज़ां आईआं ते गोलियां गेट नूं पार हुंदीआं होईआं हरभजन सिंह दे जा वज्जीआं ते मौके ते ही उसकी मौत हो गई। उत्थे बैठे आ इत्थे ही पता ही नहीं लगा आउंदिआं गोलियां चलाईआं किसे नूं बोले नहीं माड़ा कोई आवाज़ नहीं कड्ढी इत्थे गोलियां सिद्धियां चलाउण लग पए ते उठ के बह गया वजदियां वेख के इतने वज गई छाती के फिर अभी रौनक पंडा पे तो तेन भज गए और कोई गल हो नहीं। जो गोली चलती थी सारे अभी सारे इतने लागे लागे घूमते फिर रहे हाँ जी जागन डे रात 12 बजे आए किसी ने की लगता है क्यों चली गई पता नहीं लगा साढ़े ना साढ़ा कोई वैर ही नहीं किसी कहते जी उन्होंने इतने मंजिल डटी सामने ये गेट बंद से लॉक लगा से बाहरों आए उन्होंने गोलियां चलाईया आवाज़ नहीं मारी किसी देखा पुछा कोई नहीं आ उठे आ बैठे बाथरूम गए मंजी पर लम्मा पैना से इन्होंने जो खुराक होंडा पाया तो कहते भी इन्हें दत्त लिया मेरा भी देखा कौन आना इतनी गोली लगी है कि बारह साढ़े बारह ला लो जी 12:21 12 बजे फायर थोड़े सामने 8:10 बजे यही मैंने 8-9 होने दो तीन बारहों मिले हाँ जी परिवार सारे चारे घर साढ़े जी चारे भरा वा चारे घर साढ़े अं मतलब गेटा ताले मारे थे ताले सारे को नहीं खुले अं गेट टप के उतो निकल गए 8-9 जने जी चार मोटरसाइकिल नहीं गोली तो चला एक बंद वेखा दो बंद इतने खड़े एक इतने खड़ा जी एक इधर खड़ा जी गोली मेरा खड़े एक चलाई हाँ जी कोई कह नहीं सकते जी दुश्मनी कोई नहीं साढ़ी ना जी ना ये मजबी सिंह हाड़ी पैली कितों फिर इस तरीके ने गोली चलनी और शरेआम इस तरह मर्डर हो जाना गोली जड़ी है गेट से निकल के गेट से निकल के बची है गेट हाँ जी पुलिस ने की कार्रवाई की उसने बहुत कार्रवाई की जी सवेर दे रात दे इतने बैठे जी उन्हें भी साढ़े को अभी उत्ते लिखवा लिया उन्हें रिपोर्ट लिखाई है उन्हें सी एस स्टाफ वाले भी आए जी एस पी दफ्तरों भी बंदा आया जी उन्हें मैं क्योंकि इतों गया उन्हें 2 मिनट होया बाकी पुलिस ने कार्रवाई बहुत चलन दी जी। परिवारिक मैंबरों का कहना है कि गोलियां किस पासों चलिया ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਅੱਡੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰੇ 8-9 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗੇਟ 'ਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੈਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ इस घटना की इतला मिलते ही मौके ते पुलिस टीम वालों परिवारिक मैंबरां दे बयान दर्ज किए गए ने इस मामले दे विच अणपछात्यां दे खिलाफ केस भी दर्ज कर लिया गया। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਦੱਸੇ 12:30 ਵਜੇ ਕੋਈ 9 ਕੋਈ 8-9 ਜਣੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਗੋਲੀ ਇੱਕੋ ਲੱਗੀ ਆ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾੜਾਂ ਲੱਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਟਕਾੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੇ ਹੁਣ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਿੱਥੇ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਰਹੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਮਗਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਵਾ ਮਗਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਗਏ ਆ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇਸੇ ਘਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਇਆ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾੜੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਲਈ ਨੀਰਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।